भोपाल में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने सेवन लेसन्स ऑफ बिजनेस लीडरशिप सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें स्विट्जरलैंड से मोटिवेशनल स्पीकर फेवियन ने छात्रों को बिजनेस से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने छात्रों से अपने अनुभव बांटे और नकारात्मक सोच से दूर रहने के साथ ही खुश रहने की सलाह दी। भोपाल स्थित मानसरोवर डेंटल कॉलेज में सेवन लेसन्स ऑफ बिजनेस लीडरशिप सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान मोटिवेशनल स्पीकर फेवियन ने छात्रों को बताया कि किस तरह से छात्र किसी कंपनी में कार्य करते हुए कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने छात्रों को बताया कि कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है खुद को पहचानें और खुद पर विश्वास रखें। इसके बाद अपनी स्किल्स को डेवलप करें। छात्र अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड करें और उस पर ईमानदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने छात्रों को बताया कि प्रयास करें कि निगेटिव पॉलिटिक्स में शामिल ना हों, क्योंकि यह आपको कन्फ्यूज करेगी, आपको आपके कार्य से दूर ले जाएगी। छात्रों को खुद का कम्युनिकेशन स्किल बेहतर रखने की ज़रूरत है। इसके साथ सब कुछ करते हुए जिंदगी में खुश रहना जरूरी है। इस दौरान फेवियन ने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। Well, the seven steps or seven points we've just discussed you have to know yourself. So this is the most important thing for everything you want to do in life, is really to know who yourself you are. And then as a next point, it's important to then develop yourself and set a plan. To have an overall plan, and then this plan you will have to cut it down into small tangible targets in between. And once you have done that, it is important every time you work with people there will be politics. Try to not engage, especially in negative politics. Help others rise and shine, they will help you as well. Then of course communication is essential, and the last to last step is just go for it, do it. And overall, during all these six steps as of now, try to have fun as much as possible. इस दौरान मानसरोवर ग्रुप के सीईडी और प्रो चांसलर गौरव तिवारी ने बताया कि बिजनेस लीडर और मोटिवेशनल स्पीकर फेबियन उनके मानसरोवर ग्रुप के एक सदस्य के रूप में हैं। उन्होंने छात्रों को खुद को डेवलप करने के साथ ही आगे बढ़ने की सलाह दी है। सेमिनार के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में छात्र किस तरह खुद का विकास कर सकते हैं और चैलेंजिंग एनवायरमेंट में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी बताया। फेबियन है, ये मानसरोवर परिवार का एक तरह से हिस्सा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसरोवर आयुर्वेद कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं, डीन एकेडमिक्स हैं डॉक्टर प्रसाद, ये उनके सन इन लॉ हैं, देश में आए हुए थे। हमने इनसे निवेदन किया, इनका सिस्को में एक अच्छे बड़े पद पर काम कर रहे हैं, कि आके हमारे बच्चों से बात करें और उनका प्रोत्साहन करें और उनको एक इंटरनेशनल इंसाइट दें कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनको एक एक्सपोजर दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।